दोस्तों कैसे सभी लोग। तो फिलहाल तो भाई अभी हम लोगों ने बिल्ली को इधर बंद किया है, हमने खाना दे दिया था सुबह के टाइम, तो बस अभी बिल्ली को हम लोगों ने इधर बंद करके रखा हुआ है। अभी इसका घर भी बनाना है, जो मैंने कहा था भाई इसके लिए घर ढूंढेंगे। बिल्ली को इसके अंदर बंद किया है क्योंकि अभी घर में भाई पोछा हो रहा है, तो तब तक के लिए इसको इधर बंद किया हुआ है क्योंकि बिल्ली ऊपर रहती नहीं, अंदर सीधा कमरों में चले जाती है। और इसके भाई गले का पट्टे का हम लोगों ने बोला था कि भाई इसके लिए खरीदेंगे, मगर ये अभी इसकी गर्दन बहुत ज़्यादा छोटी है तो तभी इसके लिए नहीं खरीद सकते। और इसके लिए अभी फूड भी जाएंगे भाई, इसके लिए फूड भी ले लेके आ जाएंगे, बिल्ली का जो केट फूड होता है वो जाके भाई इसके लिए लेके आ जाएंगे। तभी इसको थोड़ी देर के लिए भाई हम लोगों ने इधर बंद किया हुआ, जब तक तो घर में पहुँचा हो जाएगा तो उसके बाद जाके भाई इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर तुम लोग को पौधों के बारे में कुछ नॉलेज है तो भाई थोड़ा सा बता देना। ये पौधा देखो यार, बिल्कुल यार सुखड़ ही गया है। ये देखो क्या हालत होगी इस पौधे की, ये देखो नीचे से पूरे पत्ते इसके जलते जा रहे हैं। ये देखो क्या हालत हो गई, ये देखो पूरा भाई पौधा बिल्कुल ही ना अजीब सा हो चुका है। मतलब कि इसके पौधे उगते ना, ये देखो जल जाते, ये देखो ये जल गए, और ये देखो ये अभी तो उगा भी नहीं हुई जल रहा है। मतलब कि पता नहीं क्या हो गया, इसको धूप में भी रखते तब भी इसकी हालत है, मौसम ही ऐसा है ना भाई, क्या कर सकते। और इसमें भी एक और जी छोटा सा माशाल्लाह पौधा उग रहा है, और ये तो बेचारा, ये देखो यार ये तो पूरा झड़ गया, ये तो बिल्कुल गिर गया, ये देख रहे हो ये बिल्कुल नीचे गिर रहा है। इसकी जड़ों को पता नहीं क्या हो गया, तो अभी इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करके रख देता हूँ। बहुत भाई पत्ते के अजीब सी भाई हालतें हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, और बारिश हो ही नहीं रही भाई। आ गया भाई, ये उठा भी देर से उठा था ये भी, तो बस अभी इसको मैंने पानी भी दे दिया था। ये देखो भाई छोटा सा भी इसमें भी पौधा उग रहा है, ये देख रहे हो इतना छोटा सा, ये तकरीबन मैंने 600 या 700 का मैंने खरीदा था। अभी मैं भाई ये नहीं लूँगा, फूलों वाला नहीं लूँगा, फूलों वाला जब भी रहता हूँ ना भाई ये ख़राब भी हो जाते, तो अभी क्या करूँगा भाई मैं इसके लिए ना बड़ा वाला एक धड़ होता है ना, मतलब दूसरा वाला जिसमें सिर्फ पत्ते ही होते, बाकी उसमें कोई वो नहीं होता, मतलब जैसे कि एक मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट खरीदूँगा वो सही होते, वो बस सीधा बड़े बड़े होते जाते, उसको रस्सियों से भी अगर बांधते तो सही होते। भाई ऐसे फ्लावर वाले होते ना भाई वो नहीं चलते, फ्लावर वाले बहुत मुश्किल से चलते भाई, वरना तो झड़ जाते। तो जैसे हम लोग जैसे फ्लैट वाले घरों में रहते ना भाई, तो इधर नहीं रह सकते, जिनके जिनके पास ज़मीन हो, ज़मीन वाले घर में जो रहते वो इसके भाई पाँव पे लग गया था। ये देखो एक कल यहाँ से जो भागते हुए गए ना, जो पिंजरे का कोना था ना भाई, वो पिंजरे का कोना इसके यहाँ पे लग गया, और इसके इस आदत नहीं चलता भी, आंखें बंद करके चलता है भागते, तो उसके ऊपर पाँव बिल्कुल सूज चुका है। ऊपर घर बनाया था मगर अभी हम लोगों ने उधर से छोड़ दिया। आ जाओ ऊपर दिखा दो तुम लोगों को मैं घर, ऊपर जब हम लोगों ने घर बनाया था मगर अभी हम उसको ऊपर रखते इसलिए नहीं क्योंकि भाई नीचे वाले आके छेड़ के चले जाते, बच्चे बार बार आते, और छत की हालत देखो कैसी हो गई है, थोड़ी गंदी गंदी हो चुकी है, तो लोग जब भी आते ना भाई ख़राब करके चले जाते। तो इधर हम लोग बंद करते थे बिल्ली को, मगर अभी नहीं करते क्योंकि अभी यहाँ इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चे आते वो छेड़ के चले जाते हैं, तो अभी रात के टाइम भी बिल्ली हमारे घर में ही होती है, मतलब पूरा दिन ही हमारे घर में होती है, क्योंकि वरना जब उधर थी तो भाई बच्चे छेड़ के जाते थे, मस्ती बहुत थी ना यार क्या करें। तभी इधर से हमने निकाल दिया, बाकी इसकी दो प्यालियाँ भी यहीं पड़ी हुई है, तकरीबन दो या तीन दिन हो गए भाई इसकी प्याली यहीं पड़ी हुई है। हमने उसकी दूसरी प्याली में खाना देते, इस प्याली में नहीं देते क्योंकि इस प्याली में तो इसने मोशन कर ली थी, और दूसरी प्याली साफ़ है, तो वो जो साफ़ वाली प्याली है ना भाई उसको धो लेंगे, इसके लिए इधर रख देंगे, अंदर नहीं जाओ। बाकी ये देखो इधर भी पूरा गंद हो चुका है, तो ये पूरा साफ सुथरा होगा, और बाकी सामने तो काम हो रहा है भाई, सामने तो टैंकी का काम हो रहा है, सामने बिल्डिंग का, सुबह से एक या दो दिन तो हो गए होंगे ऊपर काम चल रहा है, अब उनका काम हो जाएगा, फिर उसके बाद भी हमारे इस फ्लोर का काम स्टार्ट हो जाएगा, इससे ऊपर मतलब काम पूरा स्टार्ट होंगे, जैसे ये टीन लगी हुई ना इसको हटा के इसके ऊपर एक फ्लोर बना लेंगे मालिक मकान। तो अभी धूप भी नहीं है, मतलब सही धूप जैसे होती है ना ऐसी धूप नहीं है, सही थोड़ा मौसम, मगर हब्स है, बहुत ज़्यादा हब्स है भाई कराची में, बहुत हब्स है कराची में, इतनी हब्स है ना भाई के पौधों का, तुमने देखा क्या हाल हो चुका है, तो भी हमारा क्या हाल होगा भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो इंशाल्लाह भी हम लोग घर चेंज भी नहीं कर पा रहे भाई गर्मी की वजह से, बहुत गर्मी भाई बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी के भाई अभी कराची की छुट्टियां बढ़ा दी गई है हमारे कॉलेज की भी। अभी हम लोग को 1 तारीख को भाई अगस्त मतलब 1 अगस्त से हम लोग को कॉलेज जाना था, अभी शायद हम लोग को कैंसिल करके 15 अगस्त के बाद से हम लोग को कॉलेज जाना पड़े क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, खुद देख लो भाई कि कॉलेज की स्कूल की भी छुट्टियाँ बढ़ा दी गई है, कराची का जो हालत थोड़ी है ना भाई बहुत ज़्यादा।
गर्मी आती है ना इसलिए थोड़ी छुट्टी और बढ़ाते हैं। तो आपका स्कूल कहाँ पर? कोई लाहौर में क्या, कराची में? तो इसका स्कूल कहाँ है? ये इस गली में तो है, मतलब इसको उन्होंने दूर कोई स्कूल में अभी फिलहाल डाला नहीं, क्योंकि अभी ये छोटा है। ये जब ये थोड़ा सा मिच्योर हो जाएगा तो उसको हम लोग अपने स्कूल में डालेंगे, या तो फिर इसको कोई बड़ी स्कूल में डालेंगे, भेड़िया में, या तो फिर इसको जैसे हबीब पब्लिक में डालेंगे, आर्मी पब्लिक में। ट्यूशन में चले जाऊंगा। अभी तो फिलहाल गर्मी पड़ता है ना, ये थोड़ा मिच्योर हो जाएगा तो भाई इसको हम लोग ट्यूशन में लगा लेंगे। वो भी कोई बाजियों वाजियों के पास नहीं, जो ट्यूशन में बाजियों वाली होती है ना, ये पढ़ाती नहीं है, इसको सीधा भाई कोई सर के पास कॉलेज में डाल देंगे, कोचिंग में, सॉरी कॉलेज में। मैं अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में, अभी हम लोग कहाँ जाते भाई कोचिंग, हम लोग घर में ही पढ़ते भाई। मेरा स्कूल बंद हो गया। आपका तो बंद है ना, आपका भी 15 अगस्त के बाद से ही खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। तो बस अभी हम लोग दो या तकरीबन 1 या 2 महीने के बाद शायद शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मैं कभी से कह रहा हूँ एक महीना किया करूँ भाई, मतलब कि हालत ऐसी ना भाई कराची की, बहुत ज़्यादा मतलब शिफ्टिंग करते तो पता चलता है भाई। अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई छुट्टियां जब तक है, छुट्टियों के अंदर अंदर घर शिफ्ट हो जाए तो सही है, वरना भाई बहुत ज़्यादा रुल जाएंगे, क्योंकि अगस्त से या सितंबर से हमारे बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के ऑटो वालों के। तो बस अभी हमारा तो नया फर्नीचर आ चुका है, जो ये जो पुराना फर्नीचर है इसको तो इधर ही छोड़ के चले जाएंगे, बाकी हम लोग बस जो थोड़े बहुत सामान है घर के वो लेके जाएंगे, जैसे किचन के थोड़े बहुत सामान हो गए उसको साथ लेके हम लोग उस नए घर में चले जाएंगे। बाकी ड्रेसिंग तो तुमने देखा था, फर्नीचर सारा आ चुका है, और बस LED लेके जाना है, फ्रिज लेके जाना है, तो और भी थोड़े बहुत सामान है घर के जो लेके जाने, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। आज तकरीबन बड़ी सुजुकी, बड़ी वाली गाड़ी होती है शेजर, वो करनी पड़ेगी, क्योंकि सुजुकी में तो आएगा नहीं इतना सामान, सामान ज़्यादा है भाई, सामान ज़्यादा है हमारा, क्योंकि इधर भी सामान रखा हुआ है जो इधर देख रहे हो इसके अंदर। ये तो ऐसे तुम लोग को लग रही होंगे भाई कोई गंदी शॉपर नहीं, इसके अंदर सारे काम के सामान पड़े हुए, जैसे कि छुड़ियाँ जैसे पड़ी हुई, उसके अलावा वो चमचे रखे हुए नए नए, तो उसको शॉपर ने पूरा गट बांध बांध के रखा तो इसके अंदर, सही है। ये जो रखा हुआ ना स्टील का बॉक्स इसके अंदर, ये देखो, अबे भाई खुल जा, ये देखो इसके अंदर सारी प्याले पड़े हुए, इसको बंद कर देता हूँ, तो इसके अंदर सारे प्याले पड़े हुए। तो चलो भाई सभी नीचे चलते, दोपहर का टाइम हो गया, चलो भाई दोपहर के टाइम ऊपर नहीं रहते, देख लो अभी धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और पानी भी दे दिया था मैंने परिंदों को, तो बस अभी चलो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।